हाय गाइज, मैं युगमनाज सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आज बहुत से कमेंट आए थे कि आप सर खाटी मेथड की जो सवाल हैं उसको और भी अपलोड कीजिए अपने वीडियो में। तो चलिए आज मैं खाटी मेथड पर कुछ सवाल आज आपके लिए फिर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सब कन्फ्यूज हो जाते हैं, लगा नहीं पाते और छोड़ के आ जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए UPSI मेंस में 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में कौन सा हो सकता है। तो पहला है 2-1, बी है 3-1, सी है 3-2 और डी है 7-5। तो ये अनुपात दिया हुआ दोस्तों। तो पेटी के लिए अब ये तो नहीं मालूम कितने टूटे हैं, कितने आपके खड़े हैं शीशे साबित हैं, ये तो मालूम है नहीं, तो कैसे निकालेंगे। इसलिए सब लोग कन्फ्यूज आते हैं, सवाल गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा प्रेजेंट सा माइंड लगाना है। जब शीशे टूटेंगे तो अब यहाँ पर दिया है एक दर्जन शीशे, तो 1 दर्जन इक्वल टू कितना होगा 12 आर्टिकल होगा। तो 1 दर्जन में कितने शीशे हो गए, 12 शीशे हो गए। तो आइए इसमें खाटी मीटर हम अप्लाई करके चेक करेंगे। तो ये हमें ऑप्शन से ही इसका आंसर देना होगा दोस्तों। तो जो संख्या इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, मतलब इन अनुपातों में कौन सा अनुपात जो है शीशे का नहीं हो सकता, साबित शीशे और टूटे हुए शीशे का। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको चेक करना होगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं उनको जोड़ देना होगा और जोड़ के किसने में भाग देना होगा 12 में। टोटल कितने हैं, 12 शीशे हैं। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2-1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो 12 में 3 से हम भाग देंगे तो 3×12 कट जाएगा ना, 3 से भाग देंगे 3×3 = 12, तो मतलब ये तो कट गया। तो ये भी ऑप्शन जो हमारा ये होगा, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है, ये आपका गलत हो गया। तो अब ये 3×1 = 4 हुआ, तो 12 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो 4×4 = 12, तो ये भी मतलब हो सकता है अनुपात। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो ही सकता है। तो ये करा कितना आपका 3×2 क्या हुआ, 5 हुआ। तो 12/5 करेंगे तो 5 से ये 12 नहीं ना कटेगा, तो यही 3×2 जो है यही अनुपात ऐसा है जो कि टूटे हुए शीशे और साबित शीशे का नहीं हो सकता है। तो यही हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, पूछ रहा है नहीं हो सकता है तो यही सही होगा। अगर पूछेगा कि ऑप्शन हो सकता है कौन सा, टूटे हुए शीशे अनुपात हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 7×5 = 12 होगा, 12 में 12 से भाग करेंगे तो ये भी 12 से 12 कट गया, तो मतलब ये भी हो सकता है। तो नहीं होने वाला पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन सी जो है इसका सही है। तो इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन हमें आपके सामने लिखे हैं, दिख रहा है कि एक पेड़ पर 20 चिड़िया है, ठीक है। गोली की आवाज़ सुनकर शिकारी आता है, गोली मारता है, तो आवाज़ सुनकर कुछ चिड़िया उड़ गई, उड़ी और बची चिड़िया का अनुपात होगा। तो अब इसमें अनुपात होगा नहीं होगा नहीं पूछ रहा है, अनुपात होगा। तो कौन सा अनुपात होगा, वो ऑप्शन आप सही करके टिक करके हमें कमेंट कीजिएगा। तो पहला है ये 7-5, बी 6-4, सी 10-11 और डी है 15-4। इसमें से कौन सा अनुपात होगा वो आपको आंसर कमेंट करना है, जो सही होगा उसको बताइएगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा है आपके सामने दिख रहा है, ये आपका BSRB भोपाल PO जो एग्जाम होता है 2000 में उसमें पूछा गया, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, 1 सेकेंड में हल कर देंगे, देख के उत्तर बता देंगे और वैसे लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 125,000 रुपये की धनराशि सोनू, सतग्रह तथा योगेश में 2-3-5 के अनुपात में बांटा जाता है, सोनू और सतग्रह के हिस्से में क्या अंतर होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें पहले अनुपात को आप लिख लेते हैं। तो दिया है पहले नाम है हमारा सोनू, हाँ ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन आप लगा के कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन दिया है ए 25,000, बी है 12,500, सी है 18,750, डी है 2,500 रुपया। तो जो सही है ऑप्शन आप कमेंट कीजिए। तो आइए अब हम हमारे लगाने से पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि सोनू, ये हो गया सोनू, ये है अनुपात 3 और ये 5 हो गया, 2-3-5 का अनुपात है। तो अब ये कह रहा है कि सोनू और सतव्रत के जो हिस्से हैं उनका अंतर कितना होगा। तो दोस्तों पहले यहाँ से आप अंतर निकाल लीजिए,
तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा अंतर हमारा, डिफरेंस अब ये देखिए दो तीन है दोनों का, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए, 3 - 2 इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप खाटी मेथड यहाँ लगा दीजिए, टोटल धनराशि कितनी है, 125,000, 125,000 टोटल है, तो आप टोटल में टोटल से डिवाइड कर दीजिए, टोटल ये कितना होगा, ये टोटल पहले टोटल कितना होगा इसको जोड़ लो, 2 + 3 + 5 तो ऐड करेंगे, 3 × 2 = 5 = 5 = 10, टोटल 10 हो गया। तो टोटल में टोटल से डिवाइड, और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यही खाटी मेथड है, तुरंत 1 सेकंड में आपका देख के उत्तर आ जाएगा। तो टोटल कितना है, 10 है, और ये टोटल कितना है, 125,000, इसमें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, और इनटू क्या पूछ रखा है, अंतर किसका, सोनू और सत्यव्रत, इनका अंतर कितना है, ये तो 1 से गुणा कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये बोलता सोनू और योगेश, तो 5 में से 2 घटाते 3 आता, तो 3 से गुणा करते, ठीक है, जो पूछ रहा है वही आपको करना होगा। अगर मान लीजिए सत्यव्रत और योगेश पूछता तो 5 में से 3 दिया था, 2 से यहाँ गुणा करते, ये कर लेंगे। तो अब ये 0 से 0 कट गया हमारा, तो बचा कितना ही, 125,000, मतलब 12,500 रुपया आ गया। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच खा रहा है, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। देखो ये एक लाइन में 0-0 काटे, खटाखट जो है खाटी मेथड से देखिए आ गया, देखिए खाटी मेथड कितनी अच्छी विधि है, फटाफट आंसर आ जा रहे हैं। तो अब एक चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ये भी सब बहुत गलत करके आ जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 3 क्रमांकित संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका औसत 24 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो ये संख्याएं कितनी कितनी होगी, ये आपको मालूम करना है। अब इधर औसत भी दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है, तो कैसे लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो अनुपात है ये कितना है हमारा, 3, 3, 4, 5, ये हमारा रेशियो है, ठीक है। तो अब याद रखना दोस्तों, अगर क्रमांकित संख्याएं होंगी तो जो बीच वाली संख्या होगी, ये बीच वाली संख्या होगी, वही जो है दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, वही उसका औसत होगा। ये बीच वाली संख्या ही क्या होगी, एवरेज होगी, ये एवरेज हो जाएगा। आइए करके दिखा देते हैं हो रहा है कि नहीं। अब 3 संख्याएं कौन कौन सी है, देखिए 3 + 4 + 5 अपान कुल कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग कर दो, 3 है 3 से भाग, तो ये 4 × 3 = 7 = 5 = 12 हो गया। देखिए 12/3, 3 × 3 = 12, तो आ गया देखिए 4 ना, यहाँ 4 है आपका बीच में, तो मतलब अगर रेशियो में है, क्रम से है, 3, 4, 5 है, या दे दिया 6, 7, 8 है, तो इसका औसत कौन सा होगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो बीच में होगी वही उसका एवरेज का औसत होगा। तो ये तो मालूम हो गया बीच का औसत, अब जो पूछ रहा है उससे गुणा कर दीजिए, और औसत से औसत में भाग दे दीजिए, तो इनका एवरेज कितना है, 24 है ना बच्चों, ये 24 एवरेज है देखिए, और 24 है ये पहली संख्या, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर कितनी होगी, तो औसत में औसत से भाग करिए, तो औसत इसका कितना है, 4 है, तो 4 से भाग कर लीजिए, और जो पूछ रहा है उससे गुणा कर दीजिए, तो अब पूछ रहा है यहाँ पर पहली संख्या कितनी होगी, तो 3 है, तो 3 से गुणा कर लो यहाँ पर, तो ये भी तो औसत है, ये भी तो औसत है, औसत से औसत में भाग, यही खाटी मेथड है। तो 4 × 4 = 4, 6 = 24, ये हो गया 36 = 18, पहली संख्या 18 हो गई, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो फिर वही करिए, 24 में आप भाग कर दी लगा दीजिए 4 से, और अगली संख्या क्या है, 4 है, 4 से गुणा कर लीजिए, तो 4 से 4 कट गया फिर, तो ये आ गया 24, मतलब जो औसत है बीच वाली संख्या वो वहीं पर रहेगी, सेम होगी। और फिर तीसरी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ये हो जाएगा 24/4 कर लीजिए, और गुणे फिर कर दीजिए कितने से, बड़ी संख्या 5 है, 5 से गुणा करिए, 4 × 4 = 4, 6 = 24, तो 6 × 5 = 30, 30 हो गया, यही 18, 24 और 30 जो है ये आंसर हो जाएंगे, यही हमारी संख्याएं आएगी। तो इस तरह से खाटी मेथड से प्रयोग करके हम जो है फटाफट क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी शॉर्ट और बहुत ही बेस्ट तरीका है खाटी मेथड। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, खाटी मेथड लगाइए, सवाल जम के लगाइए, खूब लगाइए। तो अब आगे और भी वीडियो हम आपको देंगे दोस्तों, आपने अभी सब देखा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, उम्मीद है पसंद जरूर आई होगी, तो एक लाइक मार दीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए,
चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं की हो तो ऐसा रोजाना वीडियो पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारी वीडियो देख सकें। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।